हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में लेके आ चुकी हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। सो फ्रेंड, आप वीलॉग्स डेली देखते हो तो अपना स्किन का देखभाल भी करना ज़रूरी होता है, तो चलो मैंने सोचा चलो आपके लिए आज अपना वीकली स्किन केयर रूटीन का वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आप सबसे पहले देख रहे हो मैंने इस बाउल में लिया हुआ है चीनी। तो मैंने इस चीनी को ओखली में डाल के उसे अच्छे से क्रश कर लिया था, तो ये दरदरी फॉर्म में हमारी चीनी। उसके बाद मैंने ये कॉफ़ी का 2 रुपीस वाला पैकेट लिया हुआ है, उस पर मैंने हाफ डाला हुआ है ये मैंने कॉफ़ी। और इसके बाद अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ गुलाब जल। इन तीनों को मैं अच्छे से इसमें एक पेस्ट बना लूँगी, इससे करेंगे स्क्रब। तो हमारा फर्स्ट जो है ना स्टेप वो स्क्रब का है। इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप फॉलो करने और हमारी स्किन में काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। सो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड, आप देखिए मैंने जो स्क्रब है इसको मैं अपने फेस पे नेक पे अच्छे से लगा ले रही हूँ। सो फ्रेंड, चीनी और ये कॉफ़ी का और गुलाब जल का स्क्रब करने से क्या बेनिफिट होता है मैं आपको ये बताती हूँ। सो फ्रेंड, जो चीनी होता है ना ये हमारी स्किन में पड़ी हुई जो डेड स्किन होती है उसको हटाती है और हमारे चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो लाती है। और जो कॉफ़ी होती है फ्रेंड, तो कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे आने वाली झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, इन सबको ये हटाता है। और ये जो स्क्रब होता है ना ये टीनेजर भी कर सकते हैं और ये स्क्रब काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको इस स्क्रब को करने के लिए और 2 से 3 मिनट ही आपको स्क्रब करना है। और फ्रेंड, ये जो स्क्रब होता है इसको करने से हमारे चेहरे पे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है, साइन आती है। और जब आप फ्रेंड आप स्क्रब कर रहे हो तो अगर आपके फेस पे हल्का बहुत आपको ये जो लगे कि हमारा स्क्रब है वो ड्राई हो गया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेके आप अच्छे फिर से आप स्क्रब करिए और 2 से 3 मिनट ही आपको ये स्क्रब करना है। तो देखिए जिस तरह से मैं आप सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे स्क्रब कर रही हूँ, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, सिर्फ फिंगर टिप से आपको अपने चेहरे पे स्क्रब करना है फ्रेंड, पूरे हैंड का यूज़ नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से मैं अपने टी जोन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ फेस पे और इन सब में अच्छी जगह से स्क्रब कर लूँगी। और फिर इसके बाद में क्या करूँगी, मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। स्क्रब करने से हमारी डेड स्किन हट जाती है, जिससे हमारा ना जो फेस है काफ़ी ज़्यादा साइन करता है। और तो फ्रेंड ये देखिए मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है। तो देखिए एक स्क्रब करने से हमारे फेस पे आपको कितना साइन दिख रहा है, तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर आपको काफ़ी इफ़ेक्ट मालूम देगा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए टॉवल से मैं इसे डैप डैप करके मैं अपने फेस को ड्राई कर लूँगी, क्योंकि अब हमें करना है इसका सेकेंड स्टेप। तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट हमारा कॉफ़ी है और दूसरा मेरे पास ये है ये गोल्डन ग्लो का पील ऑफ मार्क्स। तो देखिए इस तरह से मैं गोल्डन ग्लो और पील ऑफ मार्क्स को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे लगाऊंगी अपने फेस पे। तो फ्रेंड गोल्डन ग्लो पील ऑफ मार्क्स करने से ये होता है हमारे फेस पे जो थोड़े से अनवांटेड हेयर होते हैं जिनकी जो, तो ये अगर आप इस स्क्रब फेस पैक का यूज़ करोगे तो जो जब आप इस फेस पैक को रिमूव करोगे ना तो उसमें थोड़े थोड़े से ये स्किन जो हेयर होते हैं वो भी निकल आते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूँ अगर आप इस फेस पैक का यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन है वो लाइट एंड ब्राइटन बनेगी। कॉफ़ी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे हमारी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। तो ये स्क्रब करने से आपको ये सारा बेनिफिट होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं आपको ऊपर से नीचे की तरफ इस जो पैक लगाते हैं तो आपको फिंगर को नीचे से ऊपर की तरफ ही ले जाना है। कुछ लोग ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो फ्रेंड ये लगाने तरीका बिल्कुल गलत होता है। आप हमेशा जब भी कोई फेस पैक लगाएं तो आप अपने चेहरे से नीचे से लेके ऊपर की तरफ आप लगाएंगे। इससे ये होता है ना हमारे चेहरे में जो हमारा जो स्किन है वो टाइट बनी रहती है, जिससे हमारा फेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लो बना रहता है। तो देखिए इस तरह से मैं
अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ब्रश है तो आप इस ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। तो फ्रेंड आपको थोड़ी थोड़ी वाइज बच्चे की भी आ रही, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा। और वीडियो आपको कितना यूज़फुल लगा तो आप उसे भी बताइएगा। तो देखिए इस तरह से मेरे पूरे फेस पे लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है, और इसके बाद मैं इसको अपने फेस पे 20 मिनट लगा के रखूँगी। तो फ्रेंड ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो मास्क है वो काफ़ी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, क्योंकि इस विंटर चल रहा है। तो विंटर में ये होता है ना कि जो हमारा मास्क है वो अच्छे से नहीं सूखता है। तो इस तरह से देखिए मैं अपने मास्क को नीचे से ऊपर की तरफ पील कर रही हूँ। इससे ये होता है ना कि आपका जो स्क्रब, इससे हमारे जो हेयर होते हैं वो भी थोड़े बहुत रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे से अपने पूरे फेस से ये मास्क को निकाल रही हूँ। कहीं कहीं पे हमारा जो अभी फेस ये पैक है अभी भी नहीं सूखा हुआ है, क्योंकि विंटर की वजह से सर्दियां पड़ रही हैं, तो इतनी जल्दी हमारा फेस ड्राई नहीं हुआ है। लेकिन 20 मिनट हो चुके थे तो मैंने कहा अब इसे निकालना है। तो देखिए आप फ्रेंड इफेक्ट देख सकते हो, जब मैं अब ये जो फेस पैक है अपने फेस से इसे निकाल रही, तो आप देखिए मेरे फेस पर एक आपको अलग से साइन दिख रही होगी। तो ये फेस पैक काफ़ी अच्छा होता है। आप सिर्फ इस फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी इस फेस पैक का यूज़ करके आप मेकअप करेंगे तो आपका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी लगेगा, आपका फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड ये देखिए इस तरह से मैंने अपने पूरे फेस का टी जोन पे निकल गया है, और बाकी जो बचेगा फ्रेंड ये सूखा नहीं था, इसकी वजह से मैं इसे थोड़ा बहुत निकालूंगी, फिर से जाके नॉर्मल पानी से मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो देखिए अब मैं इसे जा रही नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है। तो अब फ्रेंड ये देखिए मैं पानी से वॉश करके आई हूँ। अब आप देखिए मेरे फेस पर कितनी ज़्यादा आपको साइन दिख रही होगी और कितना फेस मेरा ग्लो कर रहा है। सो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।